फिर आगे प्रोटोजोआन, प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआन, प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ, ये भी एक उसकी सूक्ष्म जीव होती है जो स्वतंत्र रूप से परजीवी या स्वपोषी होती है, जो स्वच्छ जलीय जीव होती है। ये पैरामेसियम के समान ही संरचना होती है इसका, प्रोटोजोआ का, जो पेलिकल की एक आवरण से घिरा होता है। इसमें द्रव भरा होता है, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, पुंज के समान संरचना जिसके माध्यम से ये प्रचलन करती है। इसको चार संघ में बांटा गया है, जिसमें से प्रथम है जूपफ्लैजिलेट्स। जूपफ्लैजिलेट्स ये युगलिना से मिलती जुलती संरचना होती है। इसमें एक या एक से अधिक कशाभिका पाई जाती है। नीचे ये जो संरचना दी गई है, ये जूपफ्लैजिलेट्स की संरचना होती है। ये भी प्रोटोजोआ से मिलती जुलती होती है। इसको ट्रिपेनोजोमा कहते हैं। ट्रिपेनोजोमा ये परजीवी होती है और ये रोग उत्पन्न करती है। ट्रिपेनोजोमा इसका संक्रमण टीसीटीसी मक्खी के द्वारा होता है, जो रोग टीसीटीसी मक्खी के द्वारा होती है, जो हमेशा की तरह काला ज्वर बीमारी लीशमानिया के कारण होती है। यह परजीवी कशेरुकी में रुधिर में कीट वर्ग के आहार नाल में पाया जाता है। यह पीलिया का बढ़ जाना काला ज्वर का लक्षण होती है। ये जो होती है, ये जो प्रोटोजोआ ट्रिपेनोजोमा, ये टीसीटीसी मक्खी के माध्यम से ये फैलता है और ये काला ज्वर फैलाने का कार्य ये करता है। ये परजीवी के रूप में, कभी कभी ये सहजीवी के रूप में भी होती है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, लेकिन ये अक्सर प्रोटोजोआन के समान ही दिखती है। सेकेंड है सार्कोडाइंस। सार्कोडाइंस इसमें प्रजनन और भोजन के लिए विशेष प्रकार का कुटपात पाया जाता है, जैसे अमीबा में पाया जाता है। ये भी एक कोशिकीय जीव होती है। इसका आकार सामान्यतः परिवर्तनशील होती है। इसमें भी पेनिकल नहीं पाया जाता, ये समुद्र स्वच्छ जली पाई जाती है। ये एंट अमीबा मनुष्य की आंत में, एंट अमीबा समुद्रों में पाई जाती है और ये पेचिस और पारिया रोग पैदा करती है। कुछ सार्कोडाइंस अपने चारों ओर सिलिका का एक कवच स्त्रावित कर देती है। ये शिकार को पकड़ने में कवच छिद्रों को धागे के समान अतिवृद्धिया पैदा करती है। फिलोपोडिया कहते हैं इसको। कुछ हेलियो ऑन्स जॉन्स कुछ सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और ये रेडी लेरिया अपवक कवक के समान बहुकेंद्रकी होते हैं। ये समुद्र जल में मृतिका का निर्माण करता है और ये पेट्रोलियम उत्पाद के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? सार्कोडाइंस, जो प्रोटोजोआन का सेकेंड संग होता है, सेकेंड भाग होता है। फिर है थर्ड स्पेरोजोआंस। स्पेरोजोआन परजीवी ही होती है और इसमें पेनिकल अनिवार्य रूप से पाई जाती है। जीवन चक्र पीढ़ी का अंतरण होती है, इसके जीवन चक्र अगुणित होती है। इसमें मलेरिया परजीवी इसका मुख्य उदाहरण है। मलेरिया परजीवी को इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। मलेरिया जो होती है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलती है। ये जो जीवन चक्र है, ये अलग अलग स्टेज में गुजरती है। जो फर्स्ट स्टेज है वो मनुष्यों से शुरू होती है। जब कोई मच्छर मनुष्य को काटती तो उसकी रुधिर में ये एमेबाइड अवस्था में पहुंच जाती है। ये छोटा छोटा सेल में ये विखंडित हो जाती है और ये खंडित होकर गेमेटोसाइट्स बनाती है। जब ये गेमेटोसाइट्स अवस्था में होती है, तब ये मॉस्किटो मतलब मच्छर के काटने से उसके मुख के माध्यम से स्टमक अमाशय में चली जाती है। और जब अमाशय में ये मच्छर के अमाशय में पहुंचती है, तब वह गेमेटोसाइट से ये सीड्स अवस्था मतलब बीज अवस्था में आती है। फिर सीड्स से ये स्पोरोजाइट्स अवस्था में आती है। जब ये स्पोरोजाइट्स अवस्था में आती है तो मच्छर के लार ग्रंथि पर ये पहुंच जाती, मतलब मुख में ये पहुंच जाती, लार में पहुंच जाती है। और जब ये पुनः फिर मादा एनोफ्रिज मच्छर मनुष्य को काटती है, तब ये स्पोरोजाइट्स कंडीशन में मनुष्य की रुधिर में पहुंच जाती है और फिर ये बार बार गुणन कर विखंडन होते जाती है, जिससे बार बार ज्वर आती है और ये मलेरिया का लक्षण होता है। एक बार और समझ लीजिए, ये तीन अलग अलग स्टेज में होती है।
फर्स्ट स्टेज मनुष्यों से शुरू होती है जो एमेबाइट स्टेज में होती है। जब मच्छर मनुष्य को काटती तो उसके रुधिर में एमेबाइट स्टेज में ये आ जाती, फिर इसमें विखंडन होते जाती है और गेमेटोसाइट कंडीशन में ये रुधिर में आती है। उसी समय अगर मस्किटो मतलब मच्छर मनुष्य को फिर काटती है तो ये जो गेमेटोसाइट स्टेज है वो मच्छर के अमाशय में चली जाती है, जहाँ पर ये सीड्स से फिर ये स्पोरोगेनी मतलब स्पोरोजाइट कंडीशन में आती है और स्पोरोजाइट कंडीशन में ये मच्छर की लार ग्रंथि में एकत्रित हो जाती है, मुख में एकत्रित हो जाती है। फिर ये जब मच्छर मादा एनोफिलिस मच्छर मनुष्य को काटती है तो ये उसकी मुख गुहा से मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाती है और वहां पर बार बार विखंडित होकर मलेरिया ज्वर उत्पन्न करती है। फिर है पैरामीशियम। पैरामीशियम की संरचना इस प्रकार होती है, पैरामीशियम भी एक कोश की जीव होती है जो स्वच्छ जली जीव होती है। इसके चारों तरफ एक वाल पाई जाती है, ये पेनिकल की वाल होती है। इसके अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है और इसमें पेलिकल की आवरण पाई जाती है। छोटी छोटी इसमें सिलिया होती है, धागे के समान चारों तरफ रचना दिखाई दे रही है, ये सिलिया होती है जिसके माध्यम से ये प्रचलन करती है। इसमें जो भोजन होती है वो फूड वैक्यूल के समान से स्टोर्स हो जाती है। फिर आगे इसमें प्रजनन कैसे होती है, तो इसमें भी प्रजनन संयुग्मन विधि के द्वारा होती है। इसमें संयुग्मन विधि द्वारा दो अलग अलग पैरामीशियम आपस में संयुग्मित होती है और संयुग्मन से इसकी न्यूक्लियस के बीच आपस में सेल में संयुग्मन होती है। संयुग्मन होने के बाद इसमें ये धीरे धीरे अंदर में इसकी सेल्स में डिवीजन होते जाती है, बढ़ते जाती है और फिर ये अलग अलग भागों में बंटकर दो अलग अलग पैरामीशियम का निर्माण करती है। फिर ये दो पैरामीशियम से चार पैरामीशियम का निर्माण करती है। इस प्रकार ये संयुग्मन विधि के माध्यम से प्रजनन करती है। आगे है सहजीवी प्रोटोजोआ। सहजीवी प्रोटोजोआ किसे कहेंगे, सहजीवी वो होती है जो एक दूसरे को सहयोग प्रदान करके जीवन यापन करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दीमक और ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोआ है और दीमक के ये आहार नल में पाई जाती है। इस प्रकार ये दीमक इसको आवास प्रदान करती है और ये उसके भोजन में सेलुलोज का पाचन करने का कार्य करती है। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। परजीवी प्रोटोजोआन का बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जूफ्लेजिलेट्स, सार्कोडायंस, स्पोरोजोआ, सिलेट्स, जो रोग उत्पन्न करने का या दूसरे जीव में भोजन के रूप में भोजन के लिए डिपेंड होते हैं उसे परजीवी प्रोटोजोआन कहते हैं। मलेरिया में प्लाज्मोडियम होता है और ये एक जीव से दूसरे जीव में संचरण होती है। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। पारिया एंट अमीबा जिंजिवेलिस के कारण होता है। काला जर जो होता है लिस्मानिया के कारण होता है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। निद्रा रोग ट्रिपेनोजोमा होती है जिसके बारे में बताई थी, टीसीटीसी मक्खी से ये फैलता है। अतिसार रोग जो होती है जीआरडिया इंटेस्टाइनेलिस के कारण होता है, ये भी एक प्रोटोजोआ का नाम है जो संक्रमण दूषित भोजन से होती है। तो इस प्रकार से चैप्टर खत्म हुआ, इससे रिलेटेड आप लोग नोट्स तैयार करके ग्रुप में सेंड करेंगे।